समझ में आए आप लोगों को, मास समझ में आए हैं कल हमारे किए हुए? यस मैम। यस मैम। नो मैम, आदित्य वेरी गुड। नो मैम, और किसको समझ नहीं आए हैं? चलिए गुड, कोई बात नहीं बेटा, बोल दो जिनको समझ नहीं आए हैं। आदित्य को समझ नहीं आए हैं, हर्ष, आयुष को, दीदी समझ में आई कुछ मास हमारे कल किए हुए? यस नहीं, झूठ नहीं बोलने, अगर नहीं आए समझ तो बोल दो, कोई बात नहीं, हम दोबारा कर लेंगे। अभी हमारे पास टाइम है, अगर नहीं आए समझ तो कोई बात नहीं, ठीक है, हम दोबारा कर लेंगे उनको, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, ठीक है, क्योंकि अभी एकदम से तो आपको भी समझ नहीं आएंगे वो मास, ठीक है। नाइन्थ में आप लोगों ने पता नहीं किए हैं या नहीं किए हैं, भूल चुके होंगे आप, है तो फिर अभी हमें तो मास अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। चलिए तो फिर हम मास की परिभाषा कौन बताएगा? मैं आपसे पूछती हूँ कि आप लोगों को समझ आया है कि नहीं, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। मास की परिभाषा, अंश, किसे कहते हैं मास? अंश, हर्ष, यस मैम। मैम, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने से एक नया शब्द बनता है, वो समास कहलाता है। वेरी गुड, अंश समझ में आया तुम्हें? अंश, ये रख दो, हेडफोन रख दो साइड में, रख दो ऐसे ही बोलो, रख दो इसको, हेडफोन को रख दो, बोलो क्या, किसे बोलते हैं हम समास? कशिश धीमान, यस मैम। समास परिभाषा बोलो बेटा। हम दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने से समास बनते हैं। हाँ ठीक है, जब दो या दो से अधिक शब्दों से जोड़ने पर हमें एक नया वर्ड जो बनता है, एक नया वर्ड जो बनता है, ठीक है, दो शब्दों को जोड़ने पर एक जो शब्द बनता है उसको हम समास कहते हैं, ठीक है। चलिए परिभाषा तो आप लोगों को लर्न है, ठीक है। अब समास, जब हम समास बनाते हैं तो एक चीज और है जो आप मिस कर रहे हो, क्या होता है, एक चीज आप मिस कर रहे हो इसमें परिभाषा में, रिधि बताओ इसकी परिभाषा, एक चीज आप मिस कर रहे हो। मैम, दो या दो से अधिक समास जिनको बनते हैं समास बोलते हैं। हाँ, जब हम समास बनाते हैं, समास बनाते हैं तो फिर क्या होता है, कुछ और भी बताया था बीच में ना मैंने, कि जो विभक्ति होती है उसका लोप होता है। हाँ वेरी गुड, जो विभक्ति होती है जब हम समास बनाते हैं, ठीक है, दो शब्दों से हम जब समास बनाते हैं तो बीच की जो विभक्ति होती है उसका लोप हो जाता है, लोप मतलब वो खत्म हो जाती है वो बीच की विभक्ति, ठीक है। कोई भी विभक्ति लगी होगी, पंचमी है, षष्ठमी है, सप्तमी है, विभक्ति लगी होती है इनमें तो वो विभक्ति का लोप हो जाता है, ठीक है। इतनी तो आप लोगों को समझ आ गया, आगे चलते हैं। समास में विग्रह, ठीक है, समास में विग्रह, यूबी का क्या परिभाषा बताएंगे इसके? समास में विग्रह, पहले तो आ गया हमारा समास, अब समास में हमने विग्रह, बोलो समास में विग्रह। हाँ वेरी गुड, बोलो बेटा। अंश, आप लेफ्ट हो गए थे क्लास से, डिस्कनेक्टिंग हो गई थी। नंदनी,
समास में विग्रह किसे कहेंगे? तो समास में विग्रह या समास का विग्रह है? जब समस्त पद में अर्थ स्पष्ट करने के लिए उसमें प्रयुक्त शब्द के आगे विभक्ति लग जाए तो उसे समास विग्रह कहेंगे। सिंपल है दोनों में। अब ध्यान से देखो, दोनों की परिभाषा सेम है, ऑपोजिट है एक दूसरे के। समास होता है जो दो शब्द होते हैं उनको जोड़ने पे, ठीक है। समास क्या हुआ? दो शब्द हैं या दो से अधिक शब्द होंगे उनको जोड़ने पे जो एक शब्द बनेगा वो हुआ समास, ठीक है। अब समास में विग्रह क्या हुआ? दो या दो से अधिक शब्दों को जब अलग कर देंगे हम और उसमें बीच में विभक्ति लगा देंगे, ठीक है। समझ में आया अब? Yes, ma'am. समास है दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने से और उसमें विभक्ति का क्या होगा? तब लोप हो जाएगा, ठीक है। जब दोनों शब्द जुड़ जाएंगे आपस में तो वो विभक्ति जो है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। और समास का विग्रह क्या हुआ? जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को जो तोड़ देंगे, अलग कर देंगे, ठीक है, तो उसके बीच में विभक्ति आ जाएगी, ठीक है। अब चलिए समास के प्रकार बताइए मेरे को, तो मैं नेम बताती हूँ ना, वही बताएगा। आदित्य, नेम तो बता सकते हो, नेम तो लर्न है आपको। आदित्य, अच्छा पहले ये बताओ संस्कृत में कितने कितने प्रकार के समास होते हैं? कितने समास प्रकार के समास बताए मैंने आपको? प्रतिनिधि आप नहीं, आदित्य से पूछ रही हूँ, बोलो बेटा। बोलो तो बोलो, कितने प्रकार के होते हैं ये तो बता दो। चार। हाँ वेरी गुड, चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। नेम बताओगे अब आप? चलो जो भी आता है वो नेम बता दो। चार में से किसी का नाम भी याद नहीं आपको? आपने पढ़ा नहीं है ना, मैंने बोला था एक बार घर में रिवाइज करना तभी समझ में आएंगे, है ना। समर, समर बोलो बेटा। विदुर, हाँ बोलो बोलो। अव्यविभाव समास, गुड। तत्पुरुष समास, हाँ तत्पुरुष समास। नेक्स्ट का मेरे को समर बताएगा, नेक्स्ट मास का नाम। दो इसने बता दिया, दो आप बताओ। अब समर कर्मधारी, तो बेटा तत्पुरुष समास का ही एक पार्ट है मैम। द्विगु, हाँ द्विगु, द्विगु समास तो हमारे नहीं है, और मैंने आपको बोला था ना संस्कृत में द्विगु समास नहीं है, चार ही समास है। कौन सा समास बच गए आप? हाँ द्वंद्व समास है, गुड, ठीक है। द्विगु समास नहीं है संस्कृत में, संस्कृत में चार ही समास जो होते हैं वो मेन यूज होते हैं, ठीक है। पल्लवी का कैमरा ऑफ है। पार्थ, यस मैम। पार्थ, हाँ मेरे को अभी बच्चे ने ना बता दिए, अव्यविभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अब फोर्थ कौन सा बच गया समास यहाँ पे? मैम द्विगु समास। द्विगु समास तो संस्कृत में मैंने आपको नहीं करवाया, संस्कृत में नहीं होता है द्विगु समास, है ना। अव्यविभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और युविका को आता है, गुड कौन सा? तेजी और हैंड करने से बेटर है, आप लोग अपना आंसर रिटर्न करके भेज सकते हैं, मैं यहाँ पे पढ़ लेती हूँ, ठीक है। जैसे बच्चों ने रेजर हैंड किए हुए ना, उससे तो बेटर है कि आप लोग अपना आंसर लिख करके भेज सकते हैं। पार्थ बोलो बेटा। वेरी गुड दिव्यांशी शर्मा। क्लास में अभी
पल्लवी बताएगी, पल्लवी कौन सा समास बचती है अभी हमारी? वेरी गुड, बहुव्रीही समास। बहुव्रीही समास, ठीक है। तो हमारे पास संस्कृत में होते हैं चार समास, अव्यविभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीही समास, द्वंद्व समास। इतना समझ में आ गया आदित्य आपको? आप आदित्य, समर, आंश, इतना समझ में आ गया? यस मैम। आदित्य कहाँ है? आदित्य भी बोल रहा है कि मैम मेरे को समझ नहीं आया है। तो आदित्य इतना समझ में आ गया आप लोगों को समास के बारे में? क्लास में आदित्य की ठीक है, कोई बात नहीं। अगर समझ नहीं आए हैं तो आज एक बार हम इनको फिर से कर लेंगे, ठीक है? ठीक है ना, समास। तो अभी हमने, मैंने आपको बताया समास की परिभाषा कि जब दो किसी चीज को संक्षेप करने के लिए या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने पर, ठीक है, जो शब्द बनता है उसको हम समास कहते हैं। अब उसके बीच में विभक्ति का लोप हो जाता है, विभक्ति नहीं आती है, ठीक है, विभक्ति खत्म हो जाएगी, ठीक है। और जब एक शब्द को जोड़ने पर दो या दो से अधिक शब्द बन जाए, ठीक है। पहले वाले में समास में क्या, हम जोड़ते हैं और समास का विग्रह में हम उसको तोड़ देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। जब हम उसको तोड़ते हैं तो बीच में विभक्ति आ जाती है, ठीक है, जो भी विभक्ति हमने लगानी हो, षष्ठी, सप्तमी, ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग। अब हमारे पास आ गया समास के प्रकार। समास के प्रकार है हमारे पास चार, ठीक है, अव्यवी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीही समास और द्वंद्व समास, ठीक है। इतना बेटा समझ में? चलिए अब आता है हमारा पहले है हमारा अव्यवी भाव समास, ठीक है। अव्यवी भाव समास उस समास को कहते हैं जिसमें पूरा पर प्रधान हो, ठीक है। एक होता है पूरा पद और एक होता है उत्तर पद, ठीक है। पूरा पद जो होता है वो पहले लगा होता है, पहले वाला शब्द जो पहला शब्द है, ठीक है। और उत्तर पद जो होता है वो बाद वाला शब्द, ठीक है। अब अव्यवी भाव में जो है वो पहले वाला शब्द जो है वो संज्ञा हो सकता है, संज्ञा मतलब किसी का व्यक्ति का नाम स्थान, ठीक है, तो वो संज्ञा है तो उस वो प्रधान रहेगा, ठीक है। वो पहला शब्द जो है पूरा पद जो है वो प्रधान रहेगा, वो पहले आएगा, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। बाकी पीछे के जो है उत्तर पद जो है वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। उत्तर पद मतलब पीछे वाले वर्ड जो होते हैं, सेकंड वर्ड जो होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख, आपको मैंने कल करवाया था विभक्ति, ठीक है, विभक्ति के अर्थ में जैसे हरो इति, ठीक है। तो आज मैं आपको एक वीडियो दिखा देती हूँ, उसके थ्रू आप समझेंगे, ठीक है। फिर आपसे ही मैं क्वेश्चन पूछूंगी कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं, ठीक है। अव्यवी भाव के ही ऊपर दिखा रही हूँ, अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपको। ये तो पिक्चर है, ये तो मैंने कल आपको दिखाई थी, मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को समझ नहीं आया है। दोस्तों नमस्कार, स्काई एजुकेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त एसके कटारिया और आज पढ़ेंगे। बेटा ये आवाज आ रही है आपको पहले क्लियर? यस यस। समास का संस्कृत व्याकरण के अकॉर्डिंग अध्ययन करेंगे। दोस्तों समास के लिए संस्कृत में कहा गया है सम सनम समास है।
चलिए सबसे पहले समास शब्द की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। समास शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, सम और आस। सम का अर्थ होता है निकट और आस का अर्थ होता है बैठना। अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्द पास पास आकर बैठ जाते हैं तो उसे समास कहा जाता है। सामान्यतः हम कह सकते हैं कि दो शब्दों का परस्पर मेल ही समास कहलाता है। दोस्तों समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को हम समास कह सकते हैं। समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण, और संक्षिप्तीकरण किस प्रकार से होता है, जैसे नीचे एक उदाहरण दिया गया है, रसोई के लिए घर, इसे हम रसोई घर भी कह सकते हैं। तो ये संक्षिप्तीकरण हो गया इसका, रसोई के लिए घर, यानी इसमें चार शब्द हैं, रसोई के लिए घर, और इसका एक ही शब्द हो गया रसोई घर, तो ये संक्षिप्तीकरण हुआ है, तो इसे समास कहते हैं। तो चलिए इसका विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं। दोस्तों कुछ शब्द हमें बार बार काम में लेने पड़ेंगे, जैसे समास विग्रह, समासिक शब्द, पूर्व पद, उत्तर पद, तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं ताकि हमें समझने में दिक्कत ना आए कि समास विग्रह क्या है, समासिक पद क्या है, पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है। समास विग्रह का मतलब होता है समासिक शब्दों के बीच में संबंध को स्पष्ट करना, समास विग्रह कहलाता है। जैसे राजपुत्र शब्द है, इसमें राजा का पुत्र, यहाँ पर एक संबंध है और इसको स्पष्ट किया जा रहा है राजा का पुत्र, तो ये समास विग्रह हो गया इसका, राजपुत्र का राजा का पुत्र, तो इसको समास विग्रह कहते हैं। दूसरा है समासिक पद। समासिक पद का मतलब होता है समास के नियमों से निर्मित शब्द समासिक शब्द कहलाते हैं, इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह लुप्त हो जाते हैं, जैसे ऊपर वाला शब्द ही ले लेते हैं राजा का पुत्र, तो इसका समासिक शब्द बनेगा राजपुत्र, तो इसमें जो विभक्ति का चिन्ह था का, राजा का, तो का शब्द है ये लुप्त हो गया। और ये समझ में आया, फर्स्ट वाला है समास का विग्रह, ठीक है। समास का विग्रह मतलब हमने समास का विग्रह करना है, जो मैंने अभी आपको बताया कि जब हम समास का विग्रह करते हैं तो बीच में विभक्ति का लोप, सॉरी बीच में विभक्ति लगाएंगे, और समासिक शब्द है तो उसमें विभक्ति का लोप हो जाएगा, जैसे ऊपर वाले में ही राजा का पुत्र, ठीक है। राजा का पुत्र को हम सिंपल समासिक शब्द बनाएंगे, समासिक मतलब समास बनाएंगे तो राज पुत्र, ठीक है। का यहाँ पे लोप हो गया, तो का की यहाँ पे विसर्ग जो लगती है उसका यहाँ पे लोप हो गया। समझ में आ रहा है ना बेटा ये? दो पद होते हैं, पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद। जैसे उदाहरण लेते हैं, गंगा जल शब्द है, इसमें गंगा पूर्व पद है और जल उत्तर पद है, तो ये शब्द हमें बार बार काम में लेने पड़ेंगे, तो इसका अर्थ पहले समझ लेना जरूरी था। दोस्तों अब बात करते हैं समास के प्रकारों की या समास के भेद की। समास के कितने भेद हैं? संस्कृत व्याकरण के अनुसार समास के पांच मुख्य भेद हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है बहुव्रीही समास, द्वंद्व समास और केवल समास। ये समास के पांच मुख्य भेद हैं संस्कृत व्याकरण के अनुसार। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये इसके चार होते हैं। केवल समास में सिर्फ समास ही होता है, बाकी कुछ नहीं होता, कोई भी विभक्ति नहीं लगी होती है, कोई यहाँ पे कोई भी विभक्ति नहीं होती है, सिंपल वाला जो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि मैम तो हमें चार ही बता रहे हैं और यहाँ पे दिया है कि पांच दिए गए हैं, ठीक है। यस यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना कि मैम हमें तो चार ही पढ़ा रही है कब के, और ये इसमें यहाँ पे भी केवल समास, जिसमें समास में सिंपल सा समास जो होता है, कोई भी विभक्ति वगैरह नहीं होती है, वो है यहाँ पे समास। सबसे पहले अव्ययी भाव का अध्ययन करेंगे। दोस्तों आगे बढ़े इससे पहले एक चीज याद दिला देना चाहता हूँ, उसकी सप्तमी में प्रयुक्त होता है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समास के रूप नहीं चलते क्योंकि पूर्व पदार्थ प्रधान अव्यय भाव समास कहलाता है, यानी इस समास में पूर्व पद है वो प्रधान होता है। इस समास में पहला पद कोई अव्यय, उपसर्ग या निपात शब्द होता है तथा दूसरा शब्द संज्ञा शब्द होता है, फिर दोनों आपस में मिलकर के अव्यय बन जाते हैं। अव्यय हो जाने से किसी भी अव्यय भाव समास के रूप नहीं चलते, समस्त पद सदैव नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयुक्त होता है। अव्यय किसे कहते हैं? किसी भी लिंग वचन विभक्ति या पुरुष में सदैव अपरिवर्तित रहने वाले शब्द अव्यय शब्द कहलाते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि इस समास में पहला पद कोई अव्यय होता है या उपसर्ग होता है या निपात होता है और दूसरा शब्द संज्ञा, संज्ञा यानी नाम, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि का नाम होता है। दोनों मिलकर के अव्यय बन जाते हैं और अव्यय हो जाने के कारण अव्यय भाव समास के रूप नहीं चलते क्योंकि अव्यय है वो किसी भी लिंग वचन विभक्ति या पुरुष में सदैव अपरिवर्तित रहने वाला शब्द है, इसलिए उसको अव्यय कहते हैं। इसलिए अव्यय भाव समास का कोई रूप नहीं चलता, समस्त पद सदैव नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयुक्त होता है। ध्यान रखना है समस्त पद सदैव नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयुक्त होता है। अव्यय भाव का समस्त पद सदैव नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयुक्त होता है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कुछ शब्द देख लेते हैं जिनका प्रयोग अव्यय भाव समास में मुख्य रूप से किया जाता है। ये कुछ अव्यय शब्द हैं, विभक्ति, समीप, समृद्धि, वृद्धि, अभाव, अत्यय, संप्रति, प्रादुर्भाव, पश्चात, योग्यता, विपशा, अनतिक्रम्य, अनुपूर्वेण, योगपद्य, सादृश्य। ठीक है, ये सारी ही यहाँ पे विभक्ति करवा दी है जो कल मैंने आपको करवाई है। ठीक है कि विभक्ति होती है तो उसके लिए रूल अलग होता है, समीप के लिए उप लग जाता है, समृद्धि के लिए सु का यूज होता है, ये सारी ही अभाव के लिए नि। ठीक है, जो कल हमने पढ़ी थी वो सारी ही यहाँ पे ये बता रहा है हमें। ठीक है, देखते हैं। संपत्ति, साकल्य आदि ये शब्द हैं, इनका प्रयोग जिन शब्दों के साथ में होता है वहां पर अव्यय भाव समास माना जाता है। तो चलिए अब प्रत्येक के बारे में क्रमशः अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विभक्ति की, यानी जब किसी समस्त पद में प्रथम पद अधि अव्यय हो अव्यय भाव समास माना जाता है। ये वाला कल हमने सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे किया है, आप लोगों ने नोटबुक में भी राइट किया है, विभक्ति की अधि जिसके आगे लगा हो। ठीक है, तो वहां पे उसके पीछे इति का प्रयोग होता है, आता है। तथा ऐसे पदों का विग्रह करते समय दूसरे पद में सप्तमी विभक्ति लगाकर इसके आगे लिख दिया जाता है, इति शब्द लिख दिया जाता है। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, अधिहरि। अधिहरि में पहला शब्द अधि अव्यय है और दूसरा है संज्ञा हरि, तो हरि शब्द की सप्तमी विभक्ति में रूप बनता है हरो और अधि इसका बन जाएगा इति और ये हरि शब्द के बाद में लिख दिया जाएगा, तो हरि का सप्तमी विभक्ति में रूप बना हरो और अधि का बना इति, तो इस प्रकार से यह बन गया हरो इति। तो समास युक्त पद है अधिहरि और इसका विग्रह हुआ हरो इति। इसी प्रकार से अधि विष्णु का विष्णु इति, तो यानी जहां जहां भी अधि आएगा अधि का हो जाएगा इति और जो भी संज्ञा है इसके साथ में उसकी सप्तमी विभक्ति का रूप बन जाएगा। अधि रामम, तो रामे इति, राम शब्द का सप्तमी विभक्ति में रूप होता है रामे और उसका हो गया अधि का हो गया इति, सप्तमी एक वचन रामे और अधि का इति। इसी प्रकार से अगला देख लेते हैं। अगला शब्द है समीप, यानी जब किसी समस्त पद में प्रथम पद उप अव्यय हो वहां भी अव्यय भाव समास होता है। विग्रह करते समय उत्तर पद में यानी बाद वाले पद में
षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके उसके आगे समीपम लिख दिया जाता है, जैसे उपगंगम तो गंगायाः समीपम, गंगा का षष्ठी विभक्ति में रूप बनता है गंगायाः, और उप का हो गया समीपम, तो ये रूप बना गंगायाः समीपम। इसी प्रकार से उपनदी तो नद्याः समीपम, इसी प्रकार से उपगिरी गिरे समीपम। अगला शब्द है समृद्धि। इस आप लोगों के लिए इतना ही, ठीक है। ये दो विभक्ति, ये दो जो है दो रूल याद कर लेना, ठीक है। मेरे को लगता है कि आप लोगों को ज्यादा ही दे दिया था तो आप लोग नहीं कर पाए, है ना। कल मैंने कुछ ज्यादा ही करवा दिया था तो इससे आप समझ नहीं आया, आज तो समझ आ गया। सिर्फ आज दो आपने दो ही करने हैं लर्न, ये लर्न होने चाहिए विभक्ति और एक समीपम, ठीक है। जैसे विभक्ति का होता है कि अधि जिसके आगे आए, ठीक है, तो वहां पे सप्तमी विभक्ति लगा करके उसके साथ इति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। या जिसके साथ इति लगी होगी, ऑपोजिट भी पूछ सकते हैं ना, जिसके साथ इति लगी होगी तो वहां पे हम अधि का यूज करेंगे। समझ में आ गया इतना, ए वाला समझ में आ गया, फर्स्ट वाला? यस मैम। मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही था। अंश, पार्थ, अब समझ में आया इतना? आज का एक फर्स्ट वही रूल आप लोगों को, ठीक है। एक मैंने करवाया आपका अधि वाला और दूसरा करवाया समीपम वाला, ठीक है। अगर समीपम होगा तो वहां पे उप लगा देंगे, ठीक है, और षष्ठी विभक्ति उप कृष्णम हो जाएगा, वहां पे द्वितीय विभक्ति आ जाएगी, ठीक है। और अगर उप लगा होगा तो आपको पता है आपने वहां पे षष्ठी विभक्ति का यूज करना है और समीपम लिखना है पीछे, ठीक है। यस मैम। अब दो तो कर सकते हो, दो ही करवाई मैंने, अब दो तो कर सकते हो आप लोग, है ना। यस, है ना। चलिए, तो कोई बात नहीं, अभी हमारे पास टाइम है तो हम इनको अच्छे से समझ लेते हैं ताकि हमें इसको बार बार ना करना पड़े। फिर मैं आपसे पूछूं तो आप नो ना बोले कि मैम नहीं, हमें नहीं आया समझ, या हमें नहीं आता, ठीक है ना। तो आज आप लोगों के लिए सिर्फ ये दो ही हैं, आप इन दो को ही अच्छे से लर्न करेंगे। कल मैं आप लोगों से ये दोनों विभक्ति पूछूंगी, फर्स्ट और सेकंड वाली। और कल आपका बेटा वीकली है? Yes, ma'am. Yes, sir. कल वीकली है ना आप लोगों का, तो मैं कल वीकली का भी सुनूंगी और साथ में ये इतनी विभक्ति जो मैंने दो ही करवाई, सिर्फ दो ही करवाई आज मैंने, ऊपर का समास वगैरह करवा दिया, समास क्या होता है, समास की परिभाषा करवा दी आप लोगों को, समास के प्रकार करवा दिए, समास विग्रह करवा दिया, और अव्ययी भाव में सिर्फ दो ही करवाए मैंने आपको, एक विभक्ति और एक समीपम। समीपम होता है पास, तो जिसके साथ पास साथ भी समीपम लगा होगा उसके आगे उप लग जाएगा, ठीक है, या उप वाला होगा तो समीपम लग जाएगा, दोनों तरफ साइड से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को वीकली के लिए बता देती हूँ कि वीकली में आप लोग क्या लर्न करोगे। कल मैंने वीकली का भी सुनना है साथ साथ आप लोगों से, ठीक है। तो बेटा आप लोगों का सेकेंड चैप्टर ऑलमोस्ट सारे का सारा मेरे को लगता है कंप्लीट हो ही चुका है, तो थर्ड चैप्टर जो है व्यामम सर्वदा पथ्य, कि व्याम सदा हितकारी होता है। अब इसके जो है टोटल 10 है, पर आप 10 नहीं करोगे, 5 कर लोगे बेटा, जितना कर सकते हो उतना बोलो, 5 कर सकते हो या कम कर दूं उससे भी बोलो। Yes. जितना बेटा आपको लर्न भी हो जाए, ये जरूरी नहीं कि मैं आपको ज्यादा दे दूं, आपको फिर आए नहीं तो कोई फायदा नहीं, है ना। ये 3 दूं, जितना आप लर्न कर सको जल्दी से बोल दो।
जल्दी बोलिए जल्दी। थ्री दू लर्न करने के लिए या फाइव दू? रिधि बोल रही है कुछ, जल्दी बोल बेटा, नहीं तो हम, मैंने तभी तो आपको अभी सेंड नहीं किया है क्योंकि मैं अपनी तरफ से दे दू, जैसे मैंने कल अपनी तरफ से करवा दिया, पर मेरे को नहीं लगता है, बाद में मेरे को लगा कि नहीं नहीं समझ आया है इन लोगों को, है ना? Yes, थ्री काफी आपके लिए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो चलिए yes, थ्री को अच्छे से कर सकते हैं ना आप लोग, है ना? थ्री फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन श्लोक याद कर लेना, ठीक है? और इसके साथ अच्छे से करना, हो सकता है मैं क्वेश्चन आंसर भी डाल दूं इसके, ठीक है? अगर नेट ने सॉरी इसने लाइव ऐप रूम असेसमेंट ने क्वेश्चन उठा लिए तो मैं हो सकता है क्वेश्चन वाले भी दे दूं आपको, जिसमें श्लोक से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन के आंसर लिखने होते हैं, ठीक है? तो तीनों को अच्छे से समझना, ठीक है? हिंदी तो आएगी आएगी, पर हो सकता है अगर उसने उठा लिया ना, मैं बोल रही जैसे पिछली बार जैसे मैंने क्वेश्चन डाला था और वो उसने नहीं उठाया था, तो फिर मैं नहीं इसको आपको दे पाई, तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन लेंथी हो जाता थोड़ा सा, अगर हो गया तो वैसे भी दे दूंगी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 1-2 कर लेना इसके साथ बस। यस मैम। है ना, अब ज्यादा ज्यादा तो नहीं है ना कुछ? नो मैम। क्वेश्चन नंबर 2 एक पद, क्वेश्चन नंबर 1 आ गया आपका एक पदेन में उत्तर, और सेकंड वाला आ गया थोड़ा लॉन्ग वाले जो क्वेश्चन है, ठीक है? लॉन्ग वाले सिर्फ लॉन्ग लिखने होते हैं, बाकी तो आपको पता ही है किसी में से आते हैं, है ना? तो थ्री आपके हो गए श्लोक, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला श्लोक का हिंदी अनुवाद भी बात कर लेना, और फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, ठीक है? इनको लर्न भी करना है, मैंने कल आप ही से सुने हैं, कल हम इसका इसकी रिविजन करेंगे, ठीक है? इससे कोई फायदा नहीं अगर हम आगे आगे चलते रहे, पीछे का हमें कुछ नहीं आता, ठीक है? चलिए कल आप लोगों के ये सिलेबस है, ये आपको मैं होमवर्क में सेंड कर दूंगी, बाकी आप आज समास 2 ही करवाए हैं, उनको फिर से एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है? पार्ट, ठीक है? अब तो नहीं ज्यादा, इतना तो कर सकते हो, है ना? यस, ना तो अभी तो मैंने कम कर दी, चलो 3 काफी है आप लोगों के लिए, पर कोई साथ में क्वेश्चन भी है तो ये कर लेना। अभी आपकी क्लास में 12 स्टूडेंट्स हैं ओनली, नंदनी मैसेज क्या आया है, चलिए तो आज आप, ठीक है? हाँ तो जिन बच्चों से मैंने क्वेश्चन पूछती हूँ ना, जो जिनसे पूछती हूँ वही आंसर करेगा, बाकी अपना आंसर रिटर्न में कर दे सकते हैं, जैसे छोटी क्लासेस देती है उनसे पूछा जाता है तो वो आपकी बच्चे अपना रिटर्न में दे देते हैं आंसर, ठीक है? तो वैसे आप भी दे सकते हैं। चलिए तो आज आप लोगों के लिए इतना ही, अभी आपकी क्लास ऑफ हो जाएगी, ठीक है? तो कल टेस्ट की अच्छे से तैयारी करके आना, मैं आप लोगों से पूछूंगी, क्लास से लेफ्ट नहीं होना है फिर, ठीक है? ऐसा नहीं करना कि जिसकी टर्न आ गई वो क्लास से लेफ्ट हो गया, लेफ्ट होने का कोई फायदा नहीं, अगर क्लास में होते हैं तो कुछ ना कुछ तो पढ़ने को मिलता है, है ना? कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और लेफ्ट हो गए तो कुछ नहीं ना, क्या पढ़ोगे, कुछ नहीं समझ में आएगा, है ना? तो वैसे ही लेफ्ट नहीं होंगे, और लर्न कर लेना इनको, ठीक है? शगुन प्रशर का तो ओफी है कैमरा, अंशुल का भी ओफी है, नेटवर्क प्रॉब्लम होती होगी।